मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास विटामिन ए डेफिशिएंसी। पिछली क्लास में हमने प्रोटीन एनर्जी मॉड्यूलेशन डेफिशिएंसी की डिजीज पढ़ी थी, कवासी और मेरास्मस। आज की जो क्लास होगी विटामिन ए डेफिशिएंसी, यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो या विटामिन है उनकी कमी से कौन कौन से जो डिसऑर्डर है वो होते हैं। तो हम पहले लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन। तो विटामिन में थोड़ा सा बता दूँ, जो कि पिछली क्लास में हम विटामिन क्लास ले चुके हैं, कि विटामिन जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्लास वन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी विटामिन काफी पोषक तत्वों में जो क्लास वन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यू एक समूह होता है। नेक्स्ट ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, नेक्स्ट ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते बट हेल्प करते हैं अदर न्यूट्रिएंट्स को बॉडी को यूज करने के लिए। कैन नॉट प्रोवाइड एनर्जी। नेक्स्ट ये हमारी बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं करती है। कैन नॉट सिंथेसाइज प्रोवाइड है फूड, हमें फूड के द्वारा इसकी क्वांटिटी को, फूड को लेके इसकी क्वांटिटी को पूरा किया जाता है। तो जो विटामिन्स होते हैं वो क्लास ऑर्गेनिक कंपाउंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते बट अदर न्यूट्रिएंट्स को हेल्प करते हैं बॉडी यूज करने के लिए। हमारी बॉडी इसको नहीं बनाती, हमें इसको फूड के द्वारा बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन दो टाइप्स के होते हैं, टाइप्स दो, पहला होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, सॉल्युबल विटामिन जैसे कि ए बी सी ए एंड वाटर सॉल्युबल। जैसे कि बी ग्रुप ऑफ विटामिन एंड विटामिन सी, तो ये विटामिन के टाइप हो गए एंड विटामिन का इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट लेते हैं हम फैट सॉल्युबल विटामिन में, पहला विटामिन विटामिन ए। विटामिन ए सबसे पहले हम विटामिन ए इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में जो है विटामिन डेफिनेंस पहले लेते हैं। विटामिन ए का इंट्रोडक्शन में विटामिन ए होता क्या है, विटामिन ए दो प्रकार का होता है, एक तो है फ्री फ्रॉम विटामिन ए, नेक्स्ट होता है प्रो विटामिन ए। जो प्री फॉर्म विटामिन है वो एक्टिव फॉर्म में होते हैं, ये एक्टिव फॉर्म में होते हैं और इन्हें जो एनिमल फूड है एनिमल के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जैसे कि एग है, मीट है, फिश है या फिश ऑयल है या चीज है, बटर है, दूसरे प्रोविटामिन ए, ये इनएक्टिव फॉर्म होते हैं और इनको प्लांट द्वारा या रूट वाले जितने प्लांट होते हैं उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे जो ग्रीन वेजिटेबल्स है या जो येलो रूट्स है या रूट्स वाले जितने भी वेजिटेबल्स हैं जैसे कैरोट वगैरह है उनके द्वारा ये और ये इनएक्टिव फॉर्म होते हैं। इसमें इंक्लूड होते हैं इंक्लूडेड रेटिनॉइड, रेटिनल रेटिनॉइड एंड रेटिनॉइक एसिड्स, जो कि एक नेक्स्ट लेते हैं हम
विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण से कौन कौन से डिसऑर्डर और उनके सोर्सेस, उनके फंक्शंस, उनके कॉज, उनकी प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो पहले लेते हैं हम इसमें विटामिन ए डेफिशिएंसी डब्ल्यूएचओ के अनुसार पर ईयर 2.5 मिलियन जो प्री स्कूलेंट चिल्ड्रन होते हैं उनमें विटामिन ए डेफिशिएंसी पाई जाती है। और विटामिन डेफिशिएंसी कहाँ है, 2.5 से 5 लाख चिल्ड्रन जो है ब्लाइंडनेस का शिकार होते हैं पर ईयर डब्ल्यूएचओ के अनुसार। नेक्स्ट लेते हैं इसमें के सोर्सेस ऑफ विटामिन ए कौन कौन से होते हैं। पहला सोर्सेस में है एनिमल फूड, दूसरा प्लांट्स, थर्ड फोर्टिफाइड फूड जो बनाए बनाए रेडीमेड आते हैं। एनिमल फूड्स जैसे कि मीट, फिश, एग, बटर, चीज या फिश ऑयल जो कि विटामिन ए काफ़ी मात्रा में सोर्स में हमें प्रोवाइड करता है। प्लांट्स में है जैसे ग्रीन ग्रीन सब्जियाँ हैं या वेजिटेबल्स है जैसे कि पपकिन है, कद्दू है, पपाया है, और फ्रूट जैसे कि येलो मैंगो है, ऑरेंज है, ये या रूट्स में जो भी है प्लांट्स द्वारा जो प्रोवाइड होती है वेजिटेबल जैसे कि कैरोट है उनके द्वारा विटामिन ए की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। नेक्स्ट फोर्टिफाइड फूड जैसे कि वनस्पति एंड मक्खन एंड मिल्क, तो ये है सोर्सेस ऑफ द विटामिन ए। नेक्स्ट लेते हैं इसमें फंक्शन, विटामिन ए हमारी बॉडी को बॉडी में क्या क्या फंक्शन या हमारी बॉडी को क्या क्या जिससे प्रिवेंट करते हैं। पहला नॉर्मल फंक्शन है इसमें हमें ये नॉर्मल विजन प्रोवाइड करते हैं ग्रीन लाइट, नॉर्मल विजन और डिम लाइट। नेक्स्ट मेंटेन द जो क्रिएटिव फंक्शन है एंड नॉर्मल फंक्शन जैसे कि ग्रेनुलर यानी ग्रेन से संबंधित जो भी फंक्शन है, दूसरा एपिथेलियम टिश्यू एंड एपिथेलियम टिश्यू विच लाइन जैसे रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, यूरिनरी इंटेस्टाइनल ट्रैक जो भी फंक्शन है उनको मेंटेन करते हैं एज वेल जैसे स्किन से एंड आईज। नेक्स्ट में यह था कि ये सपोर्ट और ग्रोथ करते हैं, हमें ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं जैसे कि स्केलेटन ग्रोथ काफ़ी हमें। नेक्स्ट है रेटिनॉइड और रेटिनॉइड एसिड जो हमें फंक्शन करते हैं स्टेरॉइड एज ए स्टेरॉइड हार्मोन्स की तरह फंक्शन करते हैं क्योंकि ये प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं जो कि सेल ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट ये इम्यून सिस्टम को प्रॉपर मेंटेन करते हैं एंड जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं कैरोटीनॉइड्स उनका फंक्शन होता है एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ये रिड्यूस करते हैं रिस्क ऑफ कैंसर एंड प्रोटेक्ट करते हैं हमें अगेंस्ट एपिथेलियल कैंसर जो सेल्स होती है उनके प्रति। तो ये जो है फंक्शंस हैं विटामिन ए के। अब देखिए हम कोज किन किन कारणों से विटामिन ए की डेफिशिएंसी या कमी होती है। पहला है क्रोनिक डाइजेशन डिजीज, अगर क्रोनिक आ गया डिजीज है यानी कोई एब्डोमिनल इन्फेक्शन से संबंधित कोई डिजीज है तो उसके कारण से विटामिन ए डेफिशिएंसी हो सकती है। दूसरा इनएडिक्यूट डाइट और विटामिन ए, यानी डाइट के अंदर विटामिन ए की कम मात्रा लेना विटामिन ए डेफिशिएंसी का कारण बनता है। दूसरा है मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, कुछ व्यक्ति होते हैं जो विटामिन ए को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते तो कहते हैं मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, इसके कारण से विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है। सर नेक्स्ट है
डिजीज कंडीशन जैसे लिवर समझ लीजिए, लिवर समझ लीजिए इनसफिशियंट एपेटिक एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑफ द पैनक्रिया एंड मेजर्स, तो ये डिजीज संबंधित कंडीशन है। डिजीज कंडीशन में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, एपेटिक इनसफिशियंसी, सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑफ द पैनक्रिया एंड मेजर्स। नेक्स्ट लेते हैं इसमें मैनिफेस्टेशन में यदि साइन सिम्टम में पहला है एक्स्ट्रा ऑकुलर तो विटामिन ए डेफिशिएंसी में जो है डिजीज डिसऑर्डर ओलिगुलर हाइपर कैरोटिसिस एनोरेक्सिया बहुत रिजार्टिस, यानी हाइपर कैरोटिसिस यानी स्किन संबंधित जो डिसऑर्डर है वो इसमें हो सकते हैं विटामिन ए के कारण। नेक्स्ट एनोरेक्सिया यानी भूख कम लगती है, ग्रोथ रिडक्शन यानी ग्रोथ रुक जाती है। नेक्स्ट है ऑकुलर यानी आई संबंधित डिजीज निक्टोलोपिया, निक्टोलोपिया यानी नाइट ब्लाइंडनेस जो कि विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण ये डिजीज डेवलप होती है, यानी इसमें डेफिशिएंसी ऑफ काफी मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है जिसके कारण से कमी से नेट ग्रेडेशन या निक्टोलोपिया वाली कंडीशन डेवलप होती है। रोडोप्सिन जो होती है डार्क विजन के लिए और एडोसिन जो है विजुअल पर्पल विजन के लिए मोस्ट ऑफली इंपोर्टेंट होते हैं, इसको कहते हैं फोटोरिसेप्टर प्रोटीन। नेक्स्ट है xerophilia, this is condition qualification of the epithelium to conjunctiva and disappearance of the mucous cells which result dryness of cornea and absence of corneal fluid, yani cornea ka qualification ho jata hai jiske karan epithelium cells hoti hai where disappear ho jati hai aur mucous cells bhi isme disappear ho jati hai aur iske karan se jo hai cornea kafi dry ho jata hai aur jo corneal fluid hai wo bhi एब्सेंस हो जाते हैं, फिर कारण से कंडीशन डेवलप होती है कौन सी होती है xerophilia। नेक्स्ट है इसमें विटोड स्पॉट्स, विटोड स्पॉट्स में क्या होता है कि जो है जो विटोड स्पॉट्स में एक स्पॉट्स होता है जो कंजक्टिवा पे डेवलप होता है यानी कॉर्निया के लेटर साइड और ए व्हाइट फ्लेक विच अकल इन द कंजक्टिवा मोर ऑफ्टन इन द लेटरल साइड ऑफ कॉर्निया, इसको कहते हैं विटोड स्पॉट्स, ये भी विटामिन ई डेफिशिएंसी के कारण डेवलप होता है। दूसरा है केराटोलेसिया, केराटोलेसिया यानी कॉर्निया का ल्यूकिफेरेशन यानी कॉर्निया का अंदर कुछ द्रव का भर जाना, ल्यूकिफेरेशन हो जाना या आई ऑफ द कोलेक्स, कोलेक्स ऑफ द आई यानी आई का कोलेप्स हो जाना मतलब कॉर्निया का एकदम ल्यूकिफेरेशन हो जाता है जिसके कारण हम कहते हैं केराटोलेसिया। ये काफ़ी इमरजेंसी कंडीशन होती है विटामिन ई डेफिशिएंसी के कारण। तो ये जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन सिम्टम ऑफ विटामिन ई डेफिशिएंसी। नेक्स्ट इज में ट्रीटमेंट कि हम जो है विटामिन ई डेफिशिएंसी कंडीशन है उसको कैसे ट्रीट करते हैं।
विटामिन ए जो कंडीशन है उसको जैसे ट्रीट करने के लिए, जैसे जीनोथेरेपी या रेकॉम्बिनेशनल कंडीशन के लिए 2 लाख यूनिट। वैसे जो नॉर्मली डेली अलाउंस जो विटामिन ए रिक्वायरमेंट होती है वो होती है इन फैट्स में 3 से 4 ग्राम में डिपेंड होती है विटामिन ए के लिए, विटामिन ए की इसलिए होता है क्योंकि ये बीच में रह गया था। अब लेते हैं हम विटामिन ए डेफिशिएंसी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में कंडीशन 2 लाख या 10 मिनट जो है इंटरनेशनल यूनिट जो विटामिन ए की दी जाती है 2 डेज 2 दिन के लिए। राइट, इसमें जो है विटामिन की डोज अंतराल से दी जाती है अकॉर्डिंग टू एज, यानी अगर 6 मंथ से कम है तो, अगर 6 से 12 मंथ से तो 1 लाख, अगर 12 मंथ से ऊपर है 2 लाख, और नेक्स्ट डे जैसे यूनिट्स को सेम रखा जाता है। ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है विटामिन ए डेफिशिएंसी में। नेक्स्ट जो है इसमें आइकोक्लीन, आइकोक्लीन एंड मेंटल का लगता है कोर्नी जैसी कंडीशंस में, जुरम जैसी कंडीशंस में, नेक्स्ट कोर्नी आल्सर जैसी कंडीशंस होती है उसमें जो है एट्रोपिक ऑइंटमेंट, एट्रोपिक ऑइंटमेंट प्रोवाइड की जाती है आल्सर जैसी कोर्नी आल्सर जो कि जीरोक्सन कंडीशन में डेवलप हो सकती है कॉर्निया और या कंजक्टिवा का ड्राई एनेस के कारण। नेक्स्ट पे लेते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये हम कैसे प्रिवेंट करेंगे विटामिन ए डेफिशिएंसी को एंड कैसे कंट्रोल करेंगे। तो प्रिवेंशन में 3 तरीके से करते हैं। पहली शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म में विटामिन ए डेफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। मीडियम टर्म में जो सप्लीमेंट्स है या फूड्स, फोर्टिफाइड फूड्स है उनको प्रोवाइड करके विटामिन ए इसी कंडीशंस को रोका जा सकता है। जो लॉन्ग टर्म है उसमें जो भी फैक्टर है विटामिन ए डेफिशिएंसी का, जैसे कि डिजीज है एंडोक्राइन या रेस्पिरेटरी यूरिनरी ट्रैक्ट या स्किन संबंधित डिजीज जैसे के कारण विटामिन ए डेफिशिएंसी का जो है उनको अर्ली डिटेक्शन किया जाता है और रोग के उनका ट्रीट किया जाता है। और इसमें नेक्स्ट होता है फेस में न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और इसी के साथ में जो टॉपिक है विटामिन ए डेफिशिएंसी आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन।